दस्तावेज मिले हैं, या तो उन्हें खारिज किया जाना चाहिए कि ये बिल्कुल फेक है और जबरदस्ती एक गुमराह करने के लिए स्थिति है, तो वहां से या इनकम टैक्स के कुछ ऑफिसर्स कहें तो ये मामला खत्म हो। ये अड़े नहीं हुए कांग्रेस के लोग, उनका कहना है कि या तो हां करना चाहिए कि हां बिल्कुल ऐसा हुआ है, राजनीतिक दल सभी चंदा लेते हैं, हमने भी चंदा लिया, बात खत्म होती, या फिर आप लोगों को मना करना चाहिए कि बिल्कुल नहीं लिया, ये तो एकदम फेक है, मैं तो हां या खाऊंगा ना मैं कुछ तो खाने बोलना दूंगा चाहिए, ये इनका ऑब्जेक्शन है। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जब संसद सारे नियमों से चलती है, जहां पर इन्होंने नियम से विशेष अधिकार के, 0 आवर के, इन सब विषयों पर ये जानते हैं, और वहां पर अगर ये विषय लगाएंगे तो उसका जवाब भी मिलेगा। नहीं लेकिन आप मैं बड़ी बात ये कह हाँ रहा हूँ कि जो सनसनी खेज कह के भूकंप भूकंप करूंगा और ये होगा वो हो जाएगा, 3 दिन और किस तक तरह से संसद जो नहीं चलने लीगल, दिया आपने, जितनी बहस की लीगल बजाय 3 दिन सेंटिटी पेपर्स तक की होती सत्ता है, पक्ष जो ने देश की एक संसद को FIR कराने नहीं की चलने हिम्मत दिया। करते ये हैं, इतिहास में कोई पहली बार दस ऐसा हुआ रुपए के है। कागज ये पे सत्ता वो पक्ष ये जो लगाने है की बात इन है आरोपों को सूचना के लोकसभा में अधिकार बसने की, के वो लिए कुछ भी नहीं किया तीन इन्होंने, दिन तक और इसका आपने कारण लोकतंत्र है का कि भाषण इनको नहीं खाली दिया। आरोपबाजी करनी है, आपने 3 दिन और तक आरोप संसद नहीं करने के चलने बाद दी। जो जनता में ये सेंसेशन आरोप फैलेगा आप कह रहे हो उसका संसद लाभ में ले लेना चाहते रखने हैं की, चुनाव में। वह अब प्रक्रिया सबसे की बड़ी बात बात कर रहे यह हैं, है कि आपने ऐसे दृढ़ प्रक्रिया को चरित्र बाधित व्यक्ति किया, के ऊपर पहले आरोप इनको आपने लगाने का भी चलने कोई नहीं मतलब दिया। नहीं है, जनता मानने आपको वाली पता नहीं था है, कि राहुल इनको गांधी क्या पता कहने है, वाले हैं, तो इनको तो क्वेश्चन आज खड़े तक उस करने, बात का आपने और जवाब जब नहीं केवल दिया। प्रश्न खड़े करना ही मकसद हो जाए, उत्तर प्राप्त करना ना हो, तो ऐसी दशा में यही होता है। देश की जनता के सामने दे दे, पार्लियामेंट अब से ये बाहर देखिए, दे मैं दे, यही कह रहा हूँ, देश की पार्लियामेंट जनता के का तो अंदर रोज नहीं दे जवाब दो, दे आप रहे हैं, सुनवाई वो कर रहे हो वहां, कहते जो हो हमने बात नहीं कर रहे लिया। हैं रोजाना, यह कह रहे आप हो कि ये नहीं है, बात कर रहे सरकार हैं, तो जो राजनीति कर कार्रवाई रही है, है। कांग्रेस आप पार्टी का कहो तो नाम ही सही, कुछ अखिल तो भारतीय देश की प्रतिक्रिया जनता पार्टी आपसे हो गया पूछना है, पढ़ना और अब ये पूछना केवल चाहती है। प्रतिक्रिया सुपर करने चीफ वाले देश हैं के जो लोग क्रिया आपसे कर देख रहे रहे हैं, एक हैं। सवाल मनीष जन जी, जन के जी बीच में सुशील ये जी, सवाल सुशील खड़ा जी, हुआ है। सुशील जी, मनीष जी, एक सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाए और उसके बाद प्रधानमंत्री की जो सभा थी उत्तर प्रदेश में, सभा थी उसके 3 या 4 दिन बाद में उन्होंने कहा कि भूकंप आया लेकिन चलो वो आके चला गया। मुझे तो लग रहा था कि वो नहीं बोलेंगे तो बड़ा भूकंप आएगा, बोल गए तो भूकंप भी नहीं आया, जी अब आंधी भी नहीं चली, इस टाइप से उन्होंने जवाब दिया था। सवाल यहाँ पे ये है कि आप भी प्रतिपक्ष में रहे हैं, प्रतिपक्ष अगर आरोप लगाता है तो आप लोगों की डिमांड होती थी कि जिस आदमी पे आरोप लगा है उसको रिप्लाई देना चाहिए, या पार्टी को एक्शन करना चाहिए, या फिर कोई उस पर रिप्लाई तो आवे, चाहते थे आप लोग भी। मोदी साहब इसे खारिज कर रहे हैं, बीजेपी इसे खारिज कर रहे हैं, राहुल गांधी देखे आप लोग उनके हल्के मिले हैं चाहे कैसे, लेकिन एक कांग्रेस के कदावर नेता हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, और मैं कहूं कि इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष की इसी भूमिका वो अदा कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, आज अखिलेश अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, डेमोक्रेटिक पद पे बैठे हुए हैं, हम उसको इनको हल्के में ले सकते हैं कि बच्चा है, ऐसे नहीं कर सकते हम? तो इनका यही आरोप है कि या तो ये परंपरा हो जानी चाहिए कि आरोप कोई भी लगाएगा कोई जवाब नहीं देंगे, उन्हें खारिज करिए, तो एक ये परंपरा कायम रहेगी, और लगता है कि हाँ या ना में को जवाब दे देना चाहिए, या इनकम टैक्स की तरफ से दें कि ये जो दस्तावेज है डायरी है, डायरियों का कोई सुप्रीम कोर्ट इस बात में, आप तो लॉयर हैं दोनों, सुप्रीम कोर्ट में भी डायरी के आधार पर कई जो स्कैम आए जिसपे हाहाकार मचा, हल्ला भी मचा और संसद ठप रही, लेकिन उसमें कहा कि इसे हम आधार नहीं बना सकते, जब लेकिन आपको बताएं, जी मैं यही कह रहा हूँ, जो सिन्हा जी के लीगल केस सेंटिटी में है ही अभी नहीं। लेटेस्ट बताऊं, एक सिन्हा बात, जी के केस दूसरी के बात अंदर यह है अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने माननीय कहा है मोदी कि जी, डायरी को आधार माना जा सकता है। दुनिया के बिल्कुल, बेस्ट कौन है कम्युनिकेटर बताएं? है, हाँ, और उन्होंने जो कम्युनिकेशन जो करना सीआईए के था डीजी वो हैं उनकी रेगुलर जांच हो किया रही है, है, वो सुप्रीम मन कोर्ट की ने बात इसके के नाथ डायरेक्ट सिम नहीं है, कम्युनिकेट करते हैं, वो अरिजीत ट्वीट सिन्हा के की जांच नाते उसी आधार पे हाँ हो रही उसी है, आधार डायरी के सिन्हा आधार की पे जांच हो रही है, कम्युनिकेट करते हैं, उसको वैलिड माना और है। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी दुनिया के श्रेष्ठ कम्युनिकेटर के रूप में उभरे हैं। उन्होंने ये ट्वीट में उन्होंने किया, उन्होंने मन की बात करके जबकि किया, उन्होंने डायरी संसद में डायरी भाषण किया, डायरी हर जगह तो पर चुनाव में जो संबोधन रणजीत सिंह आई किया, डायरी है उन वो पे तो सब पर्सनल जगह डायरी है, जो भी प्राइवेट कुछ है, कम्युनिकेट करना था और वो किया, और मोदी यही जी का कारण जो है रिकॉर्ड पकड़ा आपने गया है कहा रणजीत कि सिन्हा का अलग लंदन हाथ में, है। एक एक बार मनीष मनीष जी, जी मनीष वो जी, इनकम टैक्स के नहीं छापे में पकड़ा गया है, राष्ट्रपति सर के सर सर अभिभाषण सर पे मैं बात दोनों का करते क्लियर, करते और ये रणजीत डायरी पर देखिए, बात करने लगते एक हैं, बार और मनीष यही जी, कारण है। मनीष जी, जी रणजीत सिन्हा का केस थोड़ा डिफरेंट है। रणजीत सिन्हा की जो डायरी है उसमें तो रोजनामचा जो है, जो लोग मिलने वाले आ रहे हैं, जिन पे स्कैम के चार्जेस थे वो लोग भी मिलने के लिए गए थे, उनके लाइजनर मिलने के लिए गए थे, तो सीबीआई ने ही उन चीजों को कोट किया है कि जिन लोगों पे आरोप था वो लोग ही मिलने के लिए गए हैं, ये इन्होंने खारिज किया कि बिल्कुल कोई मिलने नहीं आया। तो जो रजिस्टर है आप जो बता रहे डायरी और उस को रजिस्टर, एस्टैब्लिश करता हाँ है। वो रजिस्टर था जिसमें बाकायदा गेट पे जो रजिस्टर होता है मोदी कि जी पे कौन आया आरोप थे, कौन गया, वो इनकम टैक्स के छापे हाँ में दस्तावेज बरामद किए हैं, वो जब्त दस्तावेज हैं,
उन्हीं कोड में ये चीज बोल मैं ये कह रहा हूँ कि इस बारे में इनकम टैक्स विभाग को जो भी कार्रवाई करनी है 10 रुपए के सूचना अधिकार के लेटर पे वो दी जा सकती है, ये कांग्रेस पार्टी भी जानती है, लेकिन इनको जो हवा खड़ा करना है वो 10 रुपए का नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जो भी कोई एक्शन नहीं लेती है कांग्रेस पार्टी आजकल रिएक्शन करती है और इसी कारण से इन्फेक्शन खत्म हो गया है। मैं आपको यही कह रहा हूँ इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन खत्म हो गया और अल्टीमेटली रिएक्शन के सिवा कुछ नहीं कर रही है। और आप ये जो करोड़ों रुपए की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद स्कैम में डूबे हुए हैं। जब ये बात करनी है इसकी बात करेंगे, पूरे संसार में पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला लीडर है, टाइम मैगजीन में छपता है, नंबर वन आता है, ऐसे नेता के बारे में सबसे अच्छा काम कांग्रेस पार्टी के लिए है कि पत्थर फेंक के भाग लो। और सबसे बड़ी बात, अगर इसकी कोई लीगल कंसिस्टेंसी होती, अगर इसकी लीगल कोई सेंटिटी होती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा कोई ना कोई कार्रवाई की जाती। उनको पता है कि उस लीगल एस्पेक्ट पे हमारे द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए इलीगल एस्पेक्ट पे बात करो, इसलिए पत्थर फेंको और भाग जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ तो पूरे संसार करते नहीं है, कभी नहीं बीजेपी ने भी नहीं करी कभी। आप एक प्रतिशोध की आधार पर काम करा हुआ, आप सबको मालूम है मायावती जी का समर्थन सीबीआई के आधार पर लिया, मुलायम सिंह जी क्यों आपकी भाषा बोला करते थे, सीबीआई के बाद क्यों हुई, जयललिता जी का समर्थन वहां से क्यों हट गया, सीबीआई का जितना दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने करा है उतना तो बीजेपी जानती भी नहीं है। एक बात, दूसरी बात, एक भी एस्पेक्ट में आप कह नहीं सकते हो कि सत्ता का उपयोग कभी भी ब्लैकमेलिंग के लिए, सत्ता का उपयोग कभी किसी को दबाव में लेकर काम कराने के लिए किया हो। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का सारा चरित्र देश के सामने आया, घटते घटते 440 रह गए, यही कारण है। सेठ हो गए, नोट माफ कर दिए, 16 देश की जनता के किसान जो है, किसान पीड़ित है, उसका एक रुपया माफ नहीं किया। 26 स्टेटों से 6 में रह गए, अभी भी ये बातें कर रहे हैं, इलॉजिकल है। और यही कारण है कि राजस्थान में किसानों की समस्याओं पर जो ज्ञापन साइन कराए थे वो राहुल गांधी जी को देके आ गए और किसानों को कहा हमने आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर दिया है। तो ये दशा हो गई कांग्रेस पार्टी की, ये किसानों की बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कुर्ते पजामे पैदल चलेंगे तो किसानों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। सुशील जी जरा हम भी बोल ले, सैनी साहब भी इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे ओम जी आपसे, चलिए ये तो परंपराएं बनाना बिगाड़ना जैसा भी है माननीयों का काम है। पहली बात तो बड़ा दुर्भाग्य है कि मीटिंग से बहुत कम होने लगी और जो सार्थक बहस वास्तव में होनी चाहिए, और यही एक बड़ी वजह है कि पॉलिटिशियन आज जो सवाल खड़ा करते हैं, कभी न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़ा होता है, कभी कार्यपालिका भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि विधायिका का अपना जो पक्ष है वो कमजोर होता जा रहा है। हम केवल इसमें है कि बिल्कुल हमारा पक्ष मजबूत है, हम ऊपर है, ये नीचे है, इश्यू ये नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब पिछली बार कह करके गए थे कि हम लोग आपस में लड़ते हो और ब्यूरोक्रेसी इसका मजा लेती है। तो जब ये बात सब चीजें जानते हैं तो विधायिका को मजबूत करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि इसका निराकरण तो तभी हो सकता है जब सर्वदलीय बैठक बुला करके चर्चा की जाए उसमें, और वास्तव में सभी पक्षों को सुनकर के बिना किसी लाग लपेट के बड़े मन के साथ में इन चीजों को आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि तभी ये सब सॉल्यूशन निकल सकता है। ये हालात राज्यों में भी देखने को मिलते हैं। योगेंद्र जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात और जो प्रधानमंत्री ने कही और जिसकी आज मेरा ख्याल है कि आज चर्चा करना बड़ा मौजू रहेगा, वो ये कि दलों में कितना डिसिप्लिन है और कितना डेमोक्रेसी है। उन्होंने तंज कसा था कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि एक खास किस्म का वंश है जो सारा वो कर रहा है और डेमोक्रेसी का सिलसिला नहीं है। तब मुझे तत्काल याद आया कि मैं जिस भारतीय जनता पार्टी को जानता हूं, उस भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के रूप में ही पहले प्रधानमंत्री को या उनके मंत्रिमंडल को जाना जाता था। मोदी मंत्रिमंडल या अटल जी का मंत्रिमंडल नहीं कहा जाता था, बीजेपी का मंत्रिमंडल है, उनका शासन है। मुझे लगा ये कि प्रधानमंत्री इस बात से चूक रहे हैं कि पॉलिटिकल मॉरलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है, जो जिसको सब स्वीकार करते रहे, संसद के सारे दल स्वीकार करते रहे, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब हमारे जो परामर्श दल के क्या ये जो आडवाणी साहब ने आडवाणी जी पर और शरद यादव पर मार्गदर्शक मंडल मतलब इन लोगों पे जब आरोप लगा और डायरी के आधार पर ही लगा, तो इन्होंने तत्काल रिजाइन कर दिया और कहा कि अब जांच हुए बगैर हम लोग वापस नहीं आएंगे। ये जो हठधर्मी अभी देखने को मिल रही है, ये नया संस्करण है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वो चाल चरित्र और चेहरा बदल करके और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से कि ये दल अब वैसा दल नहीं है वो पेश करने की चेष्टा थी बीजेपी की। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का भी अब वैसा ही स्वरूप बन रहा है जैसा एक जमाने में कांग्रेस का हुआ करता था। तो ये मौका है
ये मौका है कि प्रधानमंत्री स्वयं सोचें इस बात को और स्वयं देखें इस बात को कि जिन बातों के लिए वो कांग्रेस को लांछित करते हैं, प्रतिपक्ष को लांछित करते हैं, क्या वास्तव में वो उन सब बातों को अपने दल में और अपनी अपने तरीके से अपने अपने उसमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे लग ये रहा है कि प्रधानमंत्री अपने दल की ओर से अपने बारे में देखिए प्रधान बिल्कुल साफ साफ नजर आता है कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, जैसे ही उनके प्रशस्तिगान उनके प्रवक्ता करते हैं, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना स्वरूप ही नहीं रहा। प्रवक्ताओं को सिर्फ मोदी जी के प्रभा मंडल के बारे में प्रभु की तरह से ईश्वंदना करने जैसा लग रहा है। कि बड़ा एक बात मानी जा सकती है, हमने चलाया भी था, मुझे अच्छे से ध्यान है कि 16 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी का उदयमान हुआ एक तरह से बहुमत के साथ में, तो हमने चलाया था कि अटल अडवाणी युग का अंत बीजेपी में और मोदी युग का आगाज हुआ है इसी के साथ में, और उसी तरह से जाना भी जाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। तो एक समय का परिवर्तन है, समय के साथ में चीजें बदलती भी हैं, और आप जो कह रहे हैं, ये कई लोग कहते हैं कि बीजेपी का भी अब कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। कांग्रेसीकरण किस मायने में हो रहा है कि वहां अपने अंदाज में चलना और एक संगठन जो खड़ा नहीं, योगी जी ये भी देखिए गलत मान्यता है, कांग्रेसीकरण ये एक लांछन है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी मध्यम मार्गी बड़ी संतुलित बेहतरीन पार्टी रही है। ये जो कंट्रीब्यूशन मिला है कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में उनके पुत्र को जगह और उसके पुत्र की हत्या के बाद में उनकी पत्नी को जगह, उसके बाद में अब जाके लगता है कि ये जो राहुल गांधी का जो उदय होने का सिलसिला है वो स्वीकार्य नहीं लगता। अन्यथा ये कहना कि वंशवाद है या ये एक एक, 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 एक उसकी पार्टी है, ऐसा नहीं है। जैसे इन लोगों के जिसे दूसरे प्रतिपक्ष में भी आप देख लीजिए ना, कम्युनिस्टों को छोड़ दीजिए, बाकी वही सब सिलसिला चलता है। आप बोल रहे हैं, सब एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, आप बोल रहे हैं नरसिम्हा राव आम आदमी नहीं था, आम परिवार का आदमी उठा, नहीं जिसको कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया, फैसला किसने लिया? सोनिया गांधी खुद अध्यक्ष थी, उन्होंने लिया। आप देखिए कि सुशील जी, सरदार जी, सुशील जी, फिर ऐसा फिर ये भी बोलना पड़ेगा, ये भी बोलना पड़ेगा, मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे, जबकि सारा समर्थन सारा नेतृत्व सोनिया गांधी जी का रहा। आप इसको क्यों नहीं याद करते आप? और कोई ये जो कांग्रेस ने एक विशेषज्ञ को हम लेके आए, पूरी दुनिया उसको मानती है। अब ठीक है कि हम मोदी जी की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं थे, मोदी जी की तरह इस तरह के रिएक्ट नहीं करते थे, एक सरल स्वभाव और सज्जन व्यक्ति विद्वान व्यक्ति थे जो अपनी छवि के हिसाब से बोलते थे जवाब देते थे, लेकिन इस तरह हल्ला और करना ये करना, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहा है और आपके एक मुख्यमंत्री राज्य का स्टेज लगा करके देश के प्रधानमंत्री का उसी समय आलोचना प्रत्यालोचना कर रहा है, नहीं, वो भी 15 अगस्त के दिन। मतलब ये परंपराएं भारतीय जनता पार्टी ने जो नई नई परंपराएं जो स्थापित करते जा रही है, प्रधानमंत्री ने एक बात कही है, ये बड़ी घातक है। सुशील जी एक बात प्रधानमंत्री ने कही है, उन्होंने कहा है कि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, मैं आरोप कभी नहीं लगाता और मुझे भी इस बात का आभास है, एहसास है कि हिंदुस्तान आजादी के बाद इतना बढ़ रहा है, हर सरकार का योगदान है, हम इसे खारिज नहीं कर सकते। वो ये बात भी बोल रहे हैं, ये नहीं कि किसके साल में कैसा योगदान रहा, उन्होंने आगे बढ़कर के ये बात बोले कही। नहीं बोलने से फर्क क्या पड़ता है, देश तो आगे बढ़ेंगे। राजनीति में रखवा लेना चाहते हैं, सुशील जी नहीं सकता, पहली बार ऐसे हो रहा है। राजनीति में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, कुटिलता के साथ में आप अपने शब्दों को अपने वाक्यों को बदलते रहते हैं, स्वीकार करना चाहिए। वो स्वीकार करने के बजाय उनपे जब जरूरत होती है तब ऐसा बोल देते हैं। देखिए प्रधानमंत्री देश का रोल मॉडल है, करेगा मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो बात क्या तानाशाह बनाना चाहते हैं क्या आप? वो आप क्या होंगे जैसे बोलेंगे, आपके वोट ना बोलिए होंगे, ना बोलिए फिर जनता बोलेगी। पूरी जनता लाइन में लगी करी मोदी जी के साथ है, इनके साथ नहीं है तो ये पत्थर फेंक रहे हैं। ऐसे ही बात है, ऐसे ही सिंध भक्त जो है भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा आप दोनों लोहे रख मेरा छोटा सवाल है। सुशील जी मैं एक बात जानना चाहूंगा, अभी मोदी साहब ने एक बार फिर कहा, हालांकि देश के गरीब के लिए नई बात नहीं है, आम जो लोकसभा चैनल देख रहे थे उनके लिए भी मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है। उन्होंने एक बात कही कि मैं गरीब के लिए लड़ता रहा था और लड़ता रहूंगा, और साथ ये भी कहा कि मुझे ये भी मालूम है कि मेरे साथ किस किस तरह के जुर्म हो रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी का ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लाइन लगती है कि मुझे मालूम है किस तरह के जुर्म हो रहे। अगर प्रधानमंत्री जुर्म सहन कर रहा है तो मनीष पारिक साहब बड़ा डिफरेंट मामला है, पीएम अगर जुर्म सहन कर रहा है तो देश के साथ क्या गुजर रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि नोटबंदी का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, अब उनका अगला निशाना है बेनामी संपत्तियों पर भी,
और आप लोगों को कोर्ट किया बाकायदा कि बेनामी संपत्तियां देश में इस तरह से कालाधन का रूप ग्रहण नहीं करती, जो खड़गे साहब सवाल उठा रहे थे कि हीरा जवाहरात में भी है कालाधन, तो उन्होंने आगे कदम बढ़ा करके कहा है, मुझे लगता है कि बेनामी संपत्ति जिन लोगों के पास में उन्हें आगाह भी कर दिया है, और 1988 के अंदर राजीव गांधी जी ने इस बात का एहसास करते हुए कानून बनाया लेकिन उसे अधिसूचित नहीं किया, तो वो अमलीजामा नहीं पहन पाया। देखिए योगेंद्र जी, जो मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है, करते हैं जो कहते हैं। मोदी जी ने पूरे देश के सामने जो वादे किए थे, पूरे देश के सामने जो बातें रखी थी, आज उनमें कौन सी बातें पूरी हुई हैं, आज कौन सी चीजें पूरी हुई हैं, हर बार हर नई चीज ला करके पुरानी चीजों को ढकना, नया विवाद करना, नए विवाद की तरफ पूरी सिस्टम को इकट्ठा करना। कांग्रेस ने कभी भी नोटबंदी का विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने नोटबंदी की जो प्रक्रिया थी उसका विरोध किया है, नोटबंदी में जो आम आदमी परेशान हुआ उसका विरोध किया है। कांग्रेस ने हमेशा से ही इन चाहे चुनाव सुधार हो, चाहे काले धन की बात हो, वहां पर जहां भी सरकार को जरूरत पड़ी समर्थन किया है। पहले दिन से राहुल गांधी जी ने कहा कि हम इस कदम का समर्थन करते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो तरीका है उसको लागू करने का, वो गलत है। आम आदमी को लाइन में लग करके इस तरह हैरान और परेशान होना पड़ा, आपने देखा किस तरह से यादें टूट गई, किस तरह से 125 लोग लाइन में लग करके मरे, और जो रिकॉर्ड पे नहीं है और भी संख्या ज्यादा है। आम आदमी अपना पैसा जमा करा कर उसको लेने के लिए मोहताज हो गया, और आपने अपने 50 सेटों 100 सेटों का पैसा जो है कर्जा जो है माफ करने के लिए, जो बैंक दिवालिया की तरफ बढ़ रहे थे, पूरी सोची सची रणनीति के तहत उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता का पैसा आपने जमा करा दिया, मां बहनों का पैसा जो सिक्योरिटी के लिए आपातकाल के लिए रखा था वो भी आपने उनको एक्सपोज महिलाओं किया, महिलाओं के प्रति जितना अन्याय हुआ है आप देखो, बच्चों तक गुल्लक तक टूट गई और वो बैंकों के अंदर जमा हो गया, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। आम आदमी को आपने चोर बता दिया, नहीं लेकिन अब बेनामी संपत्ति, बेनामी संपत्ति उधर तो आओ बात नहीं करेंगे, राहुल गांधी जी के बारे में बात नहीं करते हैं, जवाब क्या देंगे बेनामी संपत्ति, आपने मौका दे दिया जो मोदी जी की बात करते हैं, और कोई बेनामी संपत्ति जानना चाहूंगा। ऐसा है, बेनामी संपत्ति का कानून कांग्रेस ने बनाया, नोटिफाई क्यों नहीं किया उसको कांग्रेस ने, ना नोटिफाई क्यों नहीं किया, ज्यादा कानून नोटिफाई क्यों नहीं किया के अंदर, अगर राम मंदिर के ताले खोलने चले गए आप, बाबरी मस्जिद पे काले धंधे लगा तो पीछे हट गए, यही दोहरी नीति है जिसके लिए आप जिक्र कर रहे थे, आपने जब पहले आरोप लगाया दोहरी नीति का, वो दोहरा चरित्र तो ये है, ताला खोलने जाएंगे और बाद में अयोध्या में जाएंगे राहुल गांधी, लेकिन राम मंदिर वाले प्रमोशन में नहीं जाएंगे क्योंकि मुसलमानों के वोट चाहिए, ये दोहरा चरित्र देश जान चुका है। तो आप एक्ट बनाएंगे, नोटिफाई नहीं करेंगे, आप कहेंगे एसआईटी लागू हो जाएगी, उसको आप बनाएंगे नहीं और उसके बाद करेंगे, दोहरा चरित्र बीजेपी का है, ऐसी अखिल भारतीय बहुमत वाली पार्टी का, कोई क्या चूरन बनाएगा या उसका जवाब क्या डालेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यही रह गया, उनको लगता है मूल मुद्दा पर बात करेंगे तो हम फंस जाएंगे, लागू कर रहे हैं तो हम तो उसमें भी साथ हैं, कांग्रेस लागू करेंगे, कभी भी लागू करेंगे, अब साथ नहीं है, अब तो वकील करिए, जो वकील लोग हैं सोच हमारे को पता है ये बात, जब ये नोटिफाई हो जाएगा एक्ट क्या दशा होने वाली है और कौन से पार्टी के लोग कहां कहां भागते फिरेंगे, दूसरी बात इसी से डरे हुए ऐसी बातें करते हैं, ये लांछन लगाते हैं, जो आपने रखा था मैं ये आपने कहा कि नहीं, आपने एक बीच में एक प्रश्न रखा था वो बता दो, बेनामी वाला ये कह रहे हैं मोदी जी, ये कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, अरे भैया हम तो देश के दो दो प्रधानमंत्री खो चुके हैं, हमारे दो दो नेता खो चुके हैं, हजारों लोग शहीद हो रहे हैं, भैया आप प्रधानमंत्री हो आपको खतरा है तो आप देश को बताएं तो सही, किससे खतरा है, आपको कहां से पैदा हुआ खतरा, आप तो जो मिसाइल चलाने की बात कर रहे हो, सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रहे हो, पाकिस्तान में जाकर के दुश्मनों को मार रहे हो और कहते हो मेरे को खतरा है, भाई आपको कहां का खतरा है, आप देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हो, आप जो है जो बातें आप करना चाह रहे हो किसानों के खिलाफ, आपने चार चार बार अमेंडमेंट लेकर के आगे पार्लियामेंट में पूरे देश की जनता खड़ी हुई, जब आप उसको वापस विड्रॉ किया, अरे देश के उद्योगपति गुजरात के अंदर इकट्ठा होते हैं और वो घोषित करते हैं देश का प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेताओं को पीछे अटल जी हो चाहे पुराना आडवाणी जी हो, सारे नेताओं को पीछे धकेल दिया गया जबरदस्ती मोदी जी को, इसलिए कि उद्योगपतियों ने कहा कि भाई 1000 करोड़ रुपया तो हम देंगे, हमारा कैंडिडेट होगा, आप मोदी जी सेठों कैंडिडेट, गुजरात में आपने जमीनें दी उनको और उसका पैसा दो नंबर में लेकर के देश से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में चुनाव लड़वा दिया, सारा मीडिया खरीद लिया, सारा सिस्टम आपने खरीद लिया, तो अच्छी है स्टोरी नहीं, लेकिन ये बताओ ये जो अडानी अंबानी जिन पे आरोप लगा रहे हो, 2014 के बाद ही अरबपति बने,
उद्योग 2016 के पहले किन के साथ खाना खा रहे थे, किन के घर पे जा रहे थे, किन को चंदा दे रहे थे, उसके लिए मनाही कर रहे थे या अब और नया चाल करी है एक व्यक्ति का नाम लेकर अपना चंदा सुनिश्चित करना चाहते हैं। मनी बात तो यही है, अंदर मनी बात का जवाब सुनते ही नहीं था छोड़ कर दिया आप ये और उसके बाद ये मनी बात यही है। तो सुनिए आपका इसमें योगदान क्या है, ये देखो ये तो आपका योगदान ये तो लाने दे रहे हैं, ये कोई जवाब नहीं कर रहे, न प्रश्न उठा रहे हैं, हमारे यहाँ पे बिहाने गा रहे हैं, ऐसे बिहाने गा रही है कांग्रेस पार्टी। मनीष जी एक सवाल है मेरा, चले बेनामी संपत्तियों पर जो भी होगा और बिल्कुल काले धन के रूप में बेनामी संपत्तियां भी है इसमें कोई संदेह नहीं है, वो भी बाहर आनी चाहिए। मोदी साहब लगातार ये बात टाल भी ठोक रहे हैं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री सब कहें, ये मुझे लगता है कि गरीब के गले नहीं उतरता है कि मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूं, हर व्यक्ति करता है और कर रहे हैं तो ड्यूटी है, प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं वो। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि वो बार बार तीसरी बार गोवा में भी एक बार कहा उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक रैली में कहा और उसके बाद में पार्लियामेंट में कहा अब उन्होंने कि मेरे पे किस किस तरह के जुल्म हो रहेंगे क्योंकि मैं गरीबों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। गरीबों के लिए संघर्ष करेंगे कौन जुल्म डाल रहा है उन पर, प्रधानमंत्री पे अगर जुल्म हो रहे हैं तो आपको लगता नहीं है कि हम देश को गुमराह कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जुल्म सहन कर रहे हैं? आम जनता का अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह जुल्म से गुजर रही होगी। फिर जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने बात बताई है वो हाँ। आर्थिक आस्पेक्ट पर है, उन्होंने कहा ये भी हाँ। कहा है कि मैं गरीबों के लिए संघर्ष कर रहा हूं और गरीबों के हक का पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो ये जुल्म है वो ये विपक्षी पार्टियों का ये कि वो उन लोगों के साथ खड़े हो जाना चाहती है जो भ्रष्टाचार से कालाधन रखते हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, और उनके लिए चूंकि वो पैसा लेकर गरीबों के लिए योजना लागू होने वाली है उसमें सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपने देखा कि पूरा विपक्ष एक स्वर में एक बात कहता है और ये तब कहता है जबकि उसके पास ये कहने का बेस नहीं है कि आप कितना काला धन आया, कितना भ्रष्टाचार रुका, और ये भी मान लेता है कि नोट की लेन देन तो गड्डियों में ही होती है। उसके बाद ये भी मान लेता है कि पिछले तीन महीने में जो नोटबंदी के पहले 37 लोग रंगे हाथ पकड़े गए थे और इन तीन महीने में 7 ही पकड़े गए हैं, तो ये 30 का भ्रष्टाचार का आंकड़ा कम हो गया है ये मानने को तैयार नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये बिहाने गा रहे हैं शादी ब्याह में जैसे गाते हैं, ना तो इनको आरोप लगाने हैं ना इनको कोई कार्रवाई करानी है, केवल वो ब्याह शादी के बिहानों के जैसे आरोप लगाते रहते हैं एक दूसरे पक्ष पे। और उसके बाद की बात आती है, प्रतिक्रिया की बात आती है, जवाब दे दिया। मैं ओम जी आपसे जानना चाहूंगा कि जुल्म को लेकर के जो बात कही है मनीष पारिक साहब ने कि जुल्म ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर फेंक रहा है कि कोई बंदूक अड़ा करके खड़ा हुआ है, उनका कहना है कि आर्थिक जो नीतियां हम लेकर के आ रहे हैं उसको लेकर प्रतिपक्ष एकजुट हो रहा है और जिन लोगों को लगता है कि हमारी जमीन खतरे में है उनके साथ में खड़े हुए, तो एक तरह से जुल्म महसूस कर रही है बीजेपी, या माफ करिएगा सत्ता जा रही है 4 राज्यों 5 राज्यों खत्म हो रही है। देखिए 24 में खत्म हो गई, पहले 30 राज्यों में कांग्रेस पार्टी 24 राज्यों में सरकार थी, अब 6 में रह गई, 18 में खत्म हो गई। देखिए ये शुरू हो गया प्रधानमंत्री का ये सोच या भारतीय जनता पार्टी का ये सोच कि सिर्फ वही इस देश के बारे में बेहतर सोचते हैं, ये बहुत गलत ख्याल है। क्योंकि हमारे यहाँ समाजवादी पार्टियां भी हैं, हमारे यहाँ मध्यम मार्ग और भी पार्टियां, हमारे साम्यवादी पार्टियां भी हैं जो गरीबों के लिए इस देश के नागरिकों के लिए उसी तरीके से डिवोटेड और प्रतिबद्ध हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी दावा करती है। ऐसी स्थिति में इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात मुझे लगता यह है कि प्रधानमंत्री के टंग स्लिप बहुत होने लगा है सर्जिकल स्ट्राइक के मामले पर, जिस तरीके से उसका कल ज्योतिबा सिंधिया का ये आरोप था कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि आपने सर्जिकल वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बता दिया उसे, डेट इज आवर कश्मीर, हम कैसे उसमें से जाके वापस आकर उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत गंभीर हैं और जटिल हैं जिनको प्रधानमंत्री को सलाह किए बगैर पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए। मेरा सा ख्याल है कि प्रधानमंत्री अब इस पर अगर काम करें तो इन सब तरह इस तरह के संकटों से बच सकते हैं। तो जुर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जुर्म किसका, जुर्म किनका, जुर्म और प्रधानमंत्री पे, जो इस देश का प्रधानमंत्री उस पर कौन जुर्म करेगा, पूरा देश उसके साथ में खड़ा होगा, पक्ष प्रतिपक्ष सब खड़े होंगे। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की भाषा, तो मुझे लग ये रहा कि ये भाषा से कुछ गड़बड़ झाला हुआ। चलिए मैं माफी चाहूंगा कि अभिभाषण का जवाब, अभिभाषण बहस का जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जिस तरह से उन्होंने चुटिल अंदाज भी रखे, उन्होंने शेर और शायरियां भी चली और ज्यादातर उनके जो रहे वो चुटिल अंदाजों का राजनीतिक मायने भी निकाले गए। लेकिन बस मूल बात यह है कि जिस तरह की एक उम्मीद की जा रही थी कि बिंदुवार जो आरोप लगे उनका जवाब दिया जाएगा, वो थोड़े से गौण होते नजर आए। लेकिन अंदाज अपना अपना है, जैसे कि अभी मनीष पारिक साहब ने कहा भी कि वो अंदाज है और वो अपने अंदाज से ही एक पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में भी अपनी ख्याति रखते हैं।
तो चलिए ख्याति उनकी बनी रहे लेकिन परंपराएं कायम रहे, हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बच्चन जी। हाँ बोलिए बच्चा जी। आपकी एक फिल्म मर्द थी ना? हाँ थी, मर्द। मर्द वही होता है ना जो गुंडे को उठा उठा के पटकता है, उन्हें फेंकता है। अरे नहीं यार, मर्द वो होता है जो परिवार की रक्षा कर सके, उन्हें सुरक्षित रख सके, वो मर्द होता है। अच्छा सुरक्षित रख सके? हाँ। वो देखो वहाँ, और जो लोटा लेके खुले में शौच करे। ओ पहलवान जी, कहाँ भैया? खुले में शौच करना कोई मर्दानगी का काम नहीं होता है, इससे तो सिर्फ बीमारियां फैलती हैं। अरे घर के अंदर शौचालय बनाइए, वहाँ शौच कीजिए, अपने पूरे परिवार को बीमारियों से बचाइए। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी घर के अंदर शौच बनाने के लिए मदद कर रही है, तो आप भी घर में शौचालय बनाइए, खुद भी जाइए, परिवार को भी उसमें ले जाइए, और जब बच्चा समझ सकता है तो आप भी समझ जाइए, वरना उठा के पटक देंगे आपको। बोले दे रहा सच्ची लगन है और आप मेहनत है तो आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इस हकीकत को जिंदगी में उतारने वाली ये बसंती है, झारखंड की वो पैरा टीचर जो पिछले 9 सालों से शिक्षा की लौ जला रही है। नवजात की लाचारगी पर लोगों ने जिंदगी खत्म करने की सलाह दी, लेकिन माँ ने किसी की नहीं सुनी, स्कूल भेजा, मैट्रिक पास हुई और उसके बाद बसंती आगे बढ़ती चली गई। टीचर बनी तो सरकार ने हौसला बढ़ाया और देश ने सिर आंखों पर बैठाया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। के मोह में बांधिए, ना कि लोगों और सामानों के मोह में। नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। बड़ी खबर में बात होगी प्रधानमंत्री की, क्योंकि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर विपक्ष को निशाने पर लिया। चाहे राहुल गांधी के भूकंप वाला बयान हो तो उसकी भी उन्होंने बड़ी ही रोचकता से उसकी व्याख्या की। स्कैम की बात उन्होंने की तो वहीं नोटबंदी पर अपनी सफाई भी दी। उसने उन्होंने कहा कि नोटबंदी से कहीं कहीं विपक्ष तो जरूर परेशानी हुई है, लेकिन आम आवाम के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रेंथन होगी, तो सर्जिकल स्ट्राइक कर
पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही है, तो विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और बड़े बड़े सभी बिंदुओं को छूते हुए विपक्ष के हर सवाल का उन्होंने जवाब देने की कोशिश की और सबको लाजवाब कर दिया। तो वहीं जब वो संसद में बोल रहे थे तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिल्ली से सटे मेरठ में चुनावी रैली कर रहे थे और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को वो निशाने पर ले रहे थे। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव की करें तो उन्होंने कहा कि जो स्कैम की परिभाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में देके गए हैं उसमें एम से मायावती को लेकर वो हैरान है, क्योंकि तीन बार मायावती की बसपा भाजपा के साथ गठबंधन कर चुकी है तो उसको लेकर उनकी हैरानी है।